तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो अभी हम हैं छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, मेरे साथ कल क्या हुआ, मैं जब अंबिकापुर से निकला था घूमने के लिए, उल्टा पानी के लिए देखने गया था। जब मैं वहाँ पे गया घूमने के लिए, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया था। मैं सुबह ये सोचा था चलो वहीं पर रुक जाऊँगा, कोई रुकने की जगह होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर घूमने के बाद कोई जगह नहीं मिली हमको घूमने के लिए। काफ़ी शाम हो गई थी। जब मैंने सोचा यहाँ पे कोई रुकने की जगह नहीं, वहाँ पे दुकानें थी वो सब बंद कर करके अपने घर जा रहे थे। तो मैं सोचा कहाँ पर टेंट लगाऊंगा, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर। तो इसलिए मैं सोचा मेन पार्ट चलते हैं, वहाँ से जो 5 किलोमीटर दूर था, वहाँ से मेन पार्ट जो 5 किलोमीटर दूर था अंदर की तरफ। तो वहाँ से मेरे को एक कार में लिफ्ट मिली थी, तो मैं मेन रोड पर छोड़ दिया था भैया ने। वहाँ से मैं पूरा जंगल एरिया है भैया, तो मैं जैसे ही मेन रोड पे छोड़ गया था भैया ने, तो वहाँ पे मैं खड़ा था। तो मैं पैदल पैदल भी आ रहा था, काफ़ी अंधेरा हो गया था, कम से कम 7 बजे का टाइम हो गया था। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। और वहाँ से जो मेन बाज़ार है मेन पार्ट का, वो 5 किलोमीटर था। तो मैं फंस गया था रात को ये मान लिया जंगल में। मैं सोचा क्या कर सकते हो, अब फंस तो ही गया। फिर मैं लिफ्ट मांग रहा था, तो रात में कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था मुझे। रात में कौन लिफ्ट देगा, लोगों को खुद डर लगता है अपनी सेफ्टी के लिए, हमको कौन लिफ्ट देने वाला। तो मैं 2-3 गाड़ी से लिफ्ट मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया मेरे को। जब एक भैया जी गुजरे वहाँ से, उन्होंने गाड़ी रोकी मेरे को देखकर। वो भी 2 भैया थे और उनका छोटा बच्चा भी था उनके साथ में। फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई काफ़ी, और मेरे को बैठा अपने साथ लेके आए वो। और उन्होंने मेरे को पूछा काफ़ी मेरा एड्रेस पूछा, क्योंकि उनको भी बहुत डर लग रहा था और मेरे को भी उनके साथ बहुत डर लग रहा था। कुछ ऐसा हुआ कि भैया जी बहुत काफ़ी अच्छे थे, वो मेरे को अपने घर लेके आए। मैं यहीं पे टेंट लगाया था, भैया के घर पर रुका था। भैया जी बोले मैं पहली बार टेंट में सो रहा हूँ, इसलिए मैं भी टेंट में सोऊंगा आपके साथ। तो काफ़ी अच्छा लगा भैया से मिलकर। तो गढ़ में ऐसी जगह पर लोग मिल जाते हैं देखने के लिए, ऐसी ऐसी ट्राइब में लोग। तो मैं उनसे अभी आपको मिलवाता हूँ, डायरेक्ट बात करवाता हूँ। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो ये भैया जी, भैया जी क्या नाम है आपका? सिद्धू। सिद्धू काफ़ी अच्छे हैं। तो भैया जी रात को हमको जंगल में मिली थे, यही इन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी, यही भैया है। तो भैया आपने जंगल में रात को कैसे गाड़ी रोक दी, आपको क्या लगा? भैया मैं सबका हेल्प करता हूँ। आपको डर नहीं लगा, मतलब जंगल में भी आपने गाड़ी रोक दी, आपको ऐसा लगा नहीं कि मेरे को कोई दिक्कत रहा तो? नहीं नहीं, मेरे को मैं सोचा भाई कोई मुसीबत में है, अगला बंदा है सामने, तो डाउट लगा, इसलिए मैं बाइक को रोका, आपसे पूछा। रात को लिफ्ट मांग रहा, 7 बजे रोका भैया ने, 7 बजे रहा हूँ करीब रात को। जंगल में पूरा जंगल एरिया था। भैया जैसे निकले मैं इनको लिफ्ट मांगी, भैया गाड़ी रुकी, इन्होंने मेरे को पूछा मेरे बारे में सब कुछ, बोलिया बोलो। उनके बाद जब वहाँ से जब इनको लिफ्ट मांगे भैया जी, वहाँ से निकले, फिर हम लोग आने के बाद कोई दिक्कत कुछ हुआ नहीं मेरे पीछे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं इनको छोड़ देता हूँ, वहाँ पे रास्ते में बहुत गाड़ी खड़ी थी, इनको छीन छान लेते हैं। मेन पार्ट एक ऐसा चीज़ है जो हॉन्टेड रोड है, मेन पार्ट पे जो रोड पे चोरी चमारी होता है, इनसे लूट सकते थे। लेकिन मेरे साथ ही मिले, मैं हॉस्पिटल से आ रहा था, तो अगले बंदे मिले हमसे, ए भाई जी, तो इनको मेरे से हाथ नहीं दिए, किसी गाड़ी की लिफ्ट मांग रहे थे मेरे पास किसी और से। तो मैं कोशिश किया कि मैं अपने अपने आप से मैं खुद ब्रेक को मार दिया अपने बाइक का, इनसे पूछा, इनका आधार कार्ड दिखा, ये बोले भाई मेरे को बस मार्केट तक छोड़ दो। तो बोला ठीक है भाई, मैं कुछ छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट अपना घर ले आया इनको, इनका सबको कागजात देखने के बाद, ताकि गलत आदमी ना हो पाए फिर। तो काफ़ी अच्छा लगा भैया के घर पर आए, इन्होंने मुझे घर पर अपने घर पर सुलाया, खाना खिलाया मस्त। तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं रात को ऐसा फंस गया था जंगल में, कोई ऑप्शन नहीं था, ये समझो भैया जी नहीं आते तो पता नहीं क्या क्या हो सकता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया जी और आर्मी की ट्रेनिंग भी ले रखी है आपने? हाँ भैया जी बता रहे थे, लेकिन वो जॉब पे गए नहीं हैं, उनके घर वालों ने मना कर दिया था, इसलिए ट्रेनिंग कभी भी जा सकता हूँ। जो आपका जॉइन लेटर है वो भी है पोस्ट। तो काफ़ी अच्छा लगा भैया। यहाँ पर सब लोग ऐसे ही रहते हैं, स्कूल है कि नहीं? सब स्कूल है, सब स्कूल लोग पढ़ते हैं कि नहीं? रिक्की भाई कैसा लग रहा है आपको? जय हिंद, जय हिंद बोल रहा है। इसके पापा ना आर्मी में है, तो इसको जय हिंद बोलवाते रहते हैं, इसलिए जय हिंद बोलता है। काफ़ी अच्छा है, अभी आर्मी में जाओगे ना आप भी बड़े होके?
हाँ इंडिया और देश की सेवा भी ऐसे कर दे। हाँ ये देश की सेवा करेगा, ये भी बड़ा हो के मेरे से बोल रहा था शाम को, काफी अच्छा बच्चा है, मेरा भाई है। हाँ बहुत खुश है। ऐसा पूरा ट्राइब है, यहाँ पर काफी छोटे छोटे कच्चे कच्चे घर बने हैं थोड़ी दूर दूर पर आसपास में, पूरा ट्राइब की तरह दिख देना। छोड़ने आए तो हम जा रहे हैं, ठीक है भैया, थैंक यू भाई, अपना ले अब चलते हैं, बाय बाय, बाय बाय भाई, ठीक है भैया जी, जीते रहेंगे तो भाई मिलेंगे जरूर जरूर, ठीक है भाई, भाई थैंक यू, थैंक यू, काफ़ी अच्छे भैया हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। अभी हम जा रहे हैं वापस, छोटा सा गांव है जंगल में, ट्राइब की तरह बसा हुआ है, लोग रहते हैं जगह जगह पर। ऐसा मेरे साथ कल पहली बार हुआ हूँ कि मैं रात को जंगल में फंस गया। छत्तीसगढ़ में कौन हेल्प करने वाला है रात को आप भी जान सकते हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमको रात को मिल गए। तो भैया जी बता रहे थे यहाँ के लोग बहुत ख़तरनाक है, आपको चिकन की तरह खा जाएंगे यहाँ के लोग। तो ये भैया जी थे कि इन्होंने काफ़ी हेल्प की, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पर ऐसी घटनाएं हर दिन होती रहती हैं, बता रहे थे यहाँ के लोग, कल के लोग चोरी, ये क्षेत्र ही पूरा ऐसा है। ले भारत यात्रा की मेरी पहली हॉस्ट थी जो छत्तीसगढ़ में किसी के घर में पहली बार रुका हूँ मैं, तो काफ़ी रिक्सी था ये मेरे लिए, भैया जी अच्छे थे इसलिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।